बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आजकल हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस दे रहे हैं, और अब तक हमने आपको वर्ब पढ़ा दिया है। आप चैनल पर जाकर वर्ब अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही सरल और इजी भाषा में हमने आपको बताया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ग्रामर का नया अध्याय, ठीक है, जो है नाउंस, जिसको आप संज्ञा बोल सकते हैं या दूसरी भाषा में नेमिंग वर्ड यानी नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम नाउंस पे अपनी एजुकेशन देंगे, नाउंस आपको समझाएंगे बहुत ही सरल और इजी भाव में। अगर आप 6th से लेके 10th के बीच में स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारी डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन और जितनी भी चीजें हैं सबको लिख सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके से लिख के आते हैं तो आपको जितने भी मार्क्स का होगा आपको 90-100% पूरे नंबर से मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पूरी तरह से बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं डेली, और आपको डेली कुछ ना कुछ नई नई अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। अगर आप 6th से लेके 10th तक 11th 12th किसी भी क्लास में है और हमारी वीडियो पे है तो ये चैनल आप ही के लिए है, और ऐसी ही वीडियोज हम लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक लर्नर है या आप शिक्षार्थी है तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है, ठीक है। या फिर आप अपनी ग्रामर को सुधारना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बगैर देरी के अपनी वीडियो पे चलेंगे और आपको आज नाउन सिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसे कि लिखा है नाउन संज्ञा, ठीक है। नाउन को आप संज्ञा भी कह सकते हैं या फिर नाम भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें तो इसको नेमिंग वर्ड कहा जाता है। और जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे मैंने ना डिस्क्रिप्शन दो लिखी है, ठीक है। एक छोटी डिस्क्रिप्शन लिखी है, एक बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी है। दोनों ही डिस्क्रिप्शन बहुत सरल है, इजी है, बस आपके समझने का फेर है। आपको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरे साथ एक दो बार दोहराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज को जब आप याद करते हैं, ठीक है, अगर आप याद करते हैं तो याद करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, सबसे पहले उसकी हिंदी को पढ़िए, ठीक है। जब आप उसकी हिंदी को पढ़ेंगे इसके बाद उसकी इंग्लिश बनाना बहुत ही सरल हो जाता है आपके लिए। जाहिर सी बात है जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो जब आप इंग्लिश में डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत ही सरल है, बस इसका ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में करना है। और दोस्तों एक चीज आपको पता ही होगी, जब आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए आपको टेंस आना जरूरी है, टेंस भी हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप 3 लाइन के हमने यहाँ पे हिंदी में इसका परिभाषा लिखा है, पहचान लिखा है, और इन्हीं 3 लाइन की हमने फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो वही आपकी डेफिनेशन इंग्लिश में हो जाती है। अगर आप शॉर्ट में जाना चाहे तो यहाँ पे 2 लाइन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। ये तो इतने छोटे पोर्शन में लिखी तो 2 लाइन की है, वरना एक ही लाइन की ये डेफिनेशन है। आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 6th, 7th या 8th में है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, अगर आप 9th और 10th में है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। वैसे दोनों ही करेक्ट है, कोई इशू नहीं है किसी में भी, किसी के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन आप इसका जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीजें लिखना जो टीचर है आपके वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के लिखे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ये आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो पहले हम बड़े वाले पे फोकस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नाउन, नाउन होता है संज्ञा, ठीक है। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे कि हो गया नेमिंग वर्ड, ठीक है, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होती है नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो ये हेडलाइन हो गई हमारी नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम आप ले लो दोस्तों, सभी हमारी संज्ञा है, जैसे टेबल, चेयर, बोर्ड, जो भी आपके मन में नाम आए वो सभी हमारी संज्ञा होती है, ठीक है। संज्ञा को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जब इसका वर्गीकरण किया गया तो अलग अलग रखा गया है, इनको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन दोस्तों क्या है, डेफिनेशन जैसे कि हिंदी में पढ़ेंगे पहले, संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, संज्ञा वे शब्द होते हैं जो लोगों, स्थानों, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं जब आप लिखेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन करके चलिए, जो लोगों, स्थानों, चीजों या विचारों के नाम को बताते हैं, मतलब कोई भी नाम हो सभी संज्ञा होते हैं, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है। संज्ञा या नाम वे शब्द होते हैं जो लोगों, स्थानों, चीजें या विचारों के नाम को बताते हैं, ठीक है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब ये जो चीजें हमने लिखी है ये ऑटोमेटिकली आपको पता ही है, पढ़िए देखिए क्या, वे यानी संज्ञा, संज्ञा हमारे चारों ओर की दुनिया को पहचान देती है, ठीक है। तो ये आपको अपनी तरफ से लाइन लिख देनी है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखी है बेटर करने के लिए, आप भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो जो आपके लिए सही लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, वे हमारे चारों ओर की दुनिया को पहचान देते हैं, क्योंकि नाउन से ही हमें पहचान मिलती है, जब हमारा नाम होगा तभी हमारी पहचान होगी। इसके बाद वे वाक्य, ठीक है, वही वाक्य संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें अर्थ प्रस्तुत करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो
दोस्तों जो भी नाउन्स होगी वो वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सेंटेंस में बगैर नाउन के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जब भी हम कोई सेंटेंस वाक्य बनाएंगे उसकी संरचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाउन्स की, ठीक है, और वो उसके बगैर कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया को पहचान देते हैं, ठीक है। इसके बाद वाक्य संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बाद हमें अर्थ प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जो चीज आपको पढ़नी है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन पे, सेम टू सेम इसी के इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। जैसे कि देख सकते हैं आप, नाउन्स आर वर्ड्स, संज्ञा वे शब्द होते हैं, डेट नेम जो लोग, पीपल प्लेसेस थिंग्स और आइडियाज स्थानों चीजों विचारों के नाम को बताते हैं, ठीक है। दे गिव आइडेंटिटी टू द वर्ल्ड अराउंड अस, वे हमारे चारों ओर की दुनिया को पहचान देते हैं, ठीक है। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड हेल्प अस कन्वे मीनिंग, ठीक है, और हमें अर्थ प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और सरल मैंने आपको बताया, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं डॉग, पेरिस, बुक, कोलकाता, ताजमहल, या कोई भी नाम आपके माइंड में, चाहे वो कोई भी नाम हो, कुर्सी, चेयर, मोबाइल फोन, कुछ भी, सभी नाउन्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप 6, 7, 8 की क्लास में है तो आप शॉर्ट पे के थ्रू जा सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शॉर्ट पे चलते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड, आप यहाँ पे पढ़िए, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नाउन, ठीक है, ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग, या ऐसे भी लिख सकते हो, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ए नाउन is the name of a person, place, or a thing, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको तीन डेफिनेशन बताई है, शॉर्ट वाली भी बता दी, सबसे शॉर्ट भी बता दी और थोड़ी लॉन्ग में बता दी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे, अच्छी लगे, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। और बहुत ही सरल और इजी भाषा में मैंने आपको बताया, आप ही की भाषा में लिख के बताया है, ताकि आपको याद हो जाए और आपको नोटबुक में भी नोट करने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। तो देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको नोटबुक में ज़रूरत ना पड़े नोट करने की, आप सीधे याद ही करो। शायद भले ही आपको वीडियो में 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको याद ही करके चले, आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी नाउन को ऐसे नहीं बोल सकते आप, उसको ना कैटेगराइज किया गया है। कोई भी नाउन हो आपकी, सबको एक कैटेगरी में रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि एक लड़का हो गया, ठीक है, एक फर्नीचर का आइटम हो गया, एक फीलिंग्स होगी, तो जितने भी नाम ये रखे गए हैं, फीलिंग्स होगी, जैसे फीलिंग्स होगी, कोई मटेरियल हो गया, तो सबको कैटेगराइज करके रखा गया है। जब इनको वर्गीकृत किया गया था, इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। तो काइंड्स ऑफ नाउन क्या क्या है, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले अब आते हैं हम, 5 तरह के जो कैटेगरी रखी गई है, वो 5 तरह की रखी गई है नाउन्स में। पहली जो कैटेगरी है वो है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जो पहली कैटेगरी है वो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब चलिए तीसरी पे बात करते हैं, तीसरी हमारी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से ही आपको पता लग रहा, कलेक्टिव, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए फोर्थ पे चलते हैं, मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो पाँचों की पाँचों नाउन्स मैंने आपको बता दिए, 5 तरह की कैटेगरी को नाउन्स में रखा गया है, ठीक है, 5 कैटेगरी को, मतलब 5 कैटेगरी में बना के रखा गया है पूरी नाउन्स को। और आप अब आगे पूरी के पूरी अलग अलग पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 2 नाउन्स और भी होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो इन दोनों में काउंट हो जाती है, मेटेरियल में और एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है, इसलिए उनका नाम यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया। जब आप मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तभी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ आ ही गई होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन दोस्तों आज का यही है कि आज आप जो अब इस वीडियो में आप सीखेंगे, आगे अब जो सेशन आपको मिलेगा वो नाउन पे मिलेगा, और 6th to 10th क्लास तक ये हमारा नाउन चलेगा, ठीक है, और बहुत ही सरल और इजी भाषा में रहेगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज हम आपको देते हैं। ग्रामर का जो चैप्टर चल रहा है हमारा नाउन, नाउन में हमने आपको नाउन की डेफिनेशन बता दी थी, 3 तरह की हमने डेफिनेशन दी थी आपको, लॉन्ग में भी दी थी, शॉर्ट में भी दी थी और वेरी शॉर्ट में भी दी थी। तो जो भी आप याद कर सको वो आपके लिए मैंने बताई थी, जो भी आपके लिए बेटर लगे, ठीक है। और हमने इसके बाद आपको सेंटेंस भी समझाए थे कि नाउन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद हमने आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताए थे, कितने तरह के नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड जो होता है वो 5 टाइप्स के होता है, 5 टाइप्स में से पहला टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रॉपर नाउन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं व्यक्ति के नाम से, ठीक है।
व्यक्ति, अब जाहिर सी बात है व्यक्ति का नाम आ गया तो कोई स्पेसिफिक नाम होगा, तो जहाँ पे स्पेसिफिक नाम यूज हो रहा हो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, मैंने एक ही लाइन में सिर्फ आपको डेफिनेशन लिख के दी है ताकि आपको याद करने की भी आवश्यकता ना हो, सिर्फ याद हो जाए एक बार पढ़ दे। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो चलिए बगैर देने के अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम देते रहते हैं आपको, और बाद में वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन हमने सिर्फ एक लाइन में लिखी है, पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे परिभाषा, और हिंदी में जब हम पढ़ेंगे अपनी तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी में परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब हम हिंदी पढ़ लेते हैं हमें हिंदी याद हो जाती है हमारे माइंड में, तो हिंदी के बाद जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। कोई भी परिभाषा या डेफिनेशन को जब आप हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में उसको याद करोगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका याद करने का। ठीक है, तो याद सिर्फ याद करना है, नोट कर लो कोई इशू नहीं है, बट मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ एक दो बार दोहरा के वीडियो पे ही उसको माइंड में सेट कर लो, आपके याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हिंदी में मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, प्रॉपर नाउन से ही पता लग रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति। ठीक है, प्रॉपर यानी कोई स्पेसिफिक नाम, कोई प्रॉपर नाम। ठीक है, मतलब संज्ञा नेमिंग वर्ड होता है नाम, सभी तरह की संज्ञा होती है, सभी नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, नाउन बोलते हैं। तो जो भी कोई प्रॉपर और स्पेसिफिक नाम होगा उसको हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि जहाँ किसी, यहाँ पे देख सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, जहाँ पे भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक नाम हो, ठीक है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे कि आप लगा लो राम, ठीक है, एक स्पेसिफिक नाम हो गया, ऐसे दिल्ली, ठीक है, एक स्पेसिफिक नाम हो गया, फिर गीता, सीता, कोलकाता, ताजमहल, ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये एक स्थान का नाम हो गया। ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं, प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, ऐसे सीता, गीता, दिल्ली, राम, ठीक है। अब मान लो ये स्पेसिफिक और प्रॉपर कैसे, ठीक है, स्पेसिफिक नाम जैसे कि गीता, अब मान लो हमने लिख दिया गर्ल, ठीक है, या बॉय लिख दो, ये लिख दिया, अब बॉय में तो राम भी आता है, ठीक है, श्याम भी आता है, घनश्याम भी आता है, राजन भी आता है, बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, तो जो ये नाम है राम, श्याम, घनश्याम, ये सब प्रॉपर नाउन हो गए, और ये जो गर्ल, बॉय, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन में नहीं आएंगे क्योंकि ये क्लास हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे सेंटेंस, कि सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करोगे। तो जैसे कि आप सेंटेंस, मैंने यहाँ पे चार सेंटेंस आपको एग्जाम्पल में दिया है, जैसे कि कोलकाता इज़ इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हमारी प्रॉपर नाउन है कोलकाता। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, जब भी हम किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग से हम इसको स्टार्ट करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, और जितनी भी प्रॉपर नाउन होती है वो सारी एक वचन में यूज़ होती है, जितनी भी प्रॉपर नाउन होगी सारी की सारी एक वचन में यूज़ होगी, और सबसे बड़ी बात उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर आपको समझने में भी दिक्कत हो तो आप इसके थ्रू भी समझ सकते हो, सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं सिर्फ प्रॉपर नाउन, दूसरी बात उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई भी स्थान हो, नाम हो, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनका पहला लेटर हमेशा प्रॉपर नाउन में कैपिटल होता है। ठीक है, अब पहला भी मैंने बता दिया सिर्फ एक वचन में यूज़ होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा। दूसरा, बाद में अपने से पहले कोई भी आर्टिकल ए, एन और दी का प्रयोग नहीं किया जाता प्रॉपर नाउन में। और ऐसे ही फोर्थ पे चलते हैं, कोई भी जब आपकी कहीं मतलब सेंटेंस में सागर, नदी, पर्वत या फिर कोई इमारत, राजनीतिक दल या समाचार पत्र, अगर ये शब्द आपके आते हैं, ये प्रॉपर नाउन आपके आते हैं, तो आपको दी लगाना है, इनसे पहले आपको दी का यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे ताजमहल, ठीक है, ये एक विशेष इमारत है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका यूज़ दी किया है। ठीक है, तो द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। चलिए आगे चलते हैं, मोहन इज माई ब्रदर, तो इसमें हमारा हो गया मोहन प्रॉपर नाउन, इसमें हमारा हो गया ताजमहल प्रॉपर नाउन, और इंडिया इज माई कंट्री, इसमें हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक नाम जब आपका आए किसी भी सेंटेंस में तो वही हमारी प्रॉपर नाउन होती है। तो बहुत ही इजी और सरल भाषा में मैंने आपको प्रॉपर नाउन समझाया है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको नाउन भी पढ़ा दिया, काइंड्स ऑफ नाउन भी बता दिए और प्रॉपर नाउन अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, सबसे पहला, अब हम सेकंड पे चलते हैं, जो हमारा सेकंड है कॉमन नाउन होता है, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा इसमें जाति का मतलब आ रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जाति आपको दिखाई देगी यानी क्लास या वर्ग। ठीक है, जाति को हम दूसरी भाषा में हिंदी में वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जाति का सिनोनिम वर्ग होता है। तो अब हम इसकी सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे।
तो परिभाषा से ही हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ये आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले परिभाषा पे चलते हैं। जहाँ एक वर्ग अथवा जाति, ठीक है, एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, या आप ऐसे पढ़ सकते हो, जहाँ एक जाति के व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ठीक है, वहीं पे कॉमन नाउन यानी जाति वाचक संज्ञा होती है। अब कैसे होती है, जैसे कि किंग, समझिए थोड़ा एक बार किंग। अब देखिए हमने किंग का यूज़ किया है, ठीक है, तो किंग एक जाति हुई, जाति मतलब क्लास, क्लास मतलब वर्गी, मतलब वर्ग, ठीक है, मतलब किंग एक वर्ग है, ठीक है, मतलब इस वर्गीकरण में बहुत सारे राजाओं को रखा गया है, लेकिन कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या था, स्पेसिफिक नाम था, मान लो एक राजा था, हरिश्चंद्र लगा लो, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, अगर नाम दे दिया राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, तो पहले तो ये हुआ कि राजा हरिश्चंद्र जब हम बोलते हैं सिर्फ हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो हरिश्चंद्र, अगर हरिश्चंद्र नाम दिया है तो इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन हो गया, और अगर राजा नाम दिया है, राजा सिर्फ किंग, तो किंग कौन है वो नहीं पता, लेकिन किंग है, सिर्फ क्लास है, तो ये हमारी कॉमन नाउन होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे ऐसे ही सेम टू सेम बॉय, ठीक है, सेम वही प्रोसेस, ऐसे फिर गर्ल, लेकिन नाम तो नहीं दिया ना कोई स्पेसिफिक, ऐसे ही हमारा ट्री, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं लेकिन उसका कोई नाम नहीं, जैसे बरगद हो गया, तो बरगद अगर हम बोले बरगद, या फिर पीपल, ठीक है, या फिर नीम का पेड़, कोई भी, अगर हम उसका स्पेसिफिक नाम बोले तो वो प्रॉपर नाउन होगी, और अगर सिर्फ ट्री बोल रहे हैं तो वो कॉमन नाउन में आ जाती है। ऐसे ही सिटी, सिटी जैसे कि कोई भी लगा लो आप, ठीक है, यूपी के कोई भी सिटी लगा लो, अगर कोई स्पेसिफिक नाम बोले, बागपत बोले या कोई भी, तो वो प्रॉपर नाउन है, और अगर सिटी बोला जाए केवल तो वो, या डिस्ट्रिक्ट बोला जाए केवल तो वो हमारी कॉमन नाउन है। ऐसे ही सेम हॉस्पिटल, ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह है। अब हम करते हैं सेंटेंस में यूज़ किस तरह से किया है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रीज आर वेरी यूजफुल, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉमन नाउन ट्रीज, क्योंकि कोई ट्री का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक नाम देते पीपल या फिर कोई भी, की पीपल आर वेरी यूजफुल, तो वो फिर हमारी प्रॉपर नाउन हो जाती। ऐसे ही काउज ईट द ग्रीन ग्रास, ठीक है, ऐसे ही काउज, ऐसे ही सेम सी रीड ए बुक, सी यूज़ किया है बट नाम यूज़ नहीं किया, हम ऐसे भी कर सकते थे, सी की जगह नाम भी लिख सकते थे किसी भी लड़की का, ठीक है, तो यहाँ पे भी सिर्फ सी यूज हुआ है। ऐसे ही बर्ड्स, अब बर्ड्स कोई पक्षी है लेकिन कौन सा पक्षी है वो नहीं पता, तो सिर्फ वर्ग यानी क्लास का पता लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी सिर्फ क्लास का पता लग रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ क्लास का पता लग रहा है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी क्लास या सिर्फ क्लास का पता लग रहा है, मतलब क्लास या कास्ट का पता लग रहा है, ठीक है। तो बड़े सिंपल और साधारण इजी शब्दों में है, जहाँ एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वहाँ हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसको कन्वर्ट करेंगे, द नेम बाई विच एवरी पर्सन और थिंग ऑफ एनी वन क्लास या फिर कास्ट इज अंडरस्टूड इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। अगर आप मतलब इतना लंबा छोटा भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको भी और भी छोटा कर सकते हो तो लिख सकते हो, द नेम बाई विच एवरी पर्सन और थिंग ऑफ एनी वन क्लास और कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। तो इसी तरह से अब आगे के तीन भी हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो पर आपको बने रहना होगा, और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया ना तो शेयर कर दीजिए अपने फैमिली रिलेटिव्स में, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें। कलेक्टिव नाउन समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, नहीं पता तो पता है, तो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी कोई भी चीज जब आप पढ़ोगे तो आपको पहले हिंदी में पढ़नी है ताकि आप याद कर सको, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, और इंडिया में कोई भी शख्स हो हिंदी 90% लोग हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी मातृभाषा में उस चीज को पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है, और जब वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो वो आपको इंग्लिश कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होती है। और जाहिर सी बात है, ग्रामर आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आपको डेफिनेशन लिखनी है, हिंदी में भी लिखनी है, इंग्लिश में भी लिखनी है, तो पहले हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, वो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगी, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती इंग्लिश में। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव से ही आपको पता लग रहा होगा ये समूह, ठीक है, समूह से पता लग रहा होगा, जहाँ पे समूह का बोध हो, मतलब जिस नाउन में समूह आ जाए, ग्रुप आ जाए, उस नाउन को समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल लगा लो, टीम, कमेटी, आर्मी, ठीक है, हिंदी में मैंने बताया परिभाषा, जिस नाउन में समूह का बोध हो वहां समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। इंग्लिश में हमने चेंज करा, ट्रांसलेट करा, कैसे करा, द नाउन विच डिनोट्स द ग्रुप, मतलब जिस नाउन में ग्रुप ग्रुप दिखाई दे, ठीक है, मतलब ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, वहां क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो एग्जांपल टीम, कमेटी, आर्मी इत्यादि,
आगे चलते हैं सेंटेंस में, हम समझते हैं किस तरीके से है। जैसे कि पहला सेंटेंस है आवर आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसमें हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो है आर्मी, क्योंकि आर्मी एक समूह होगी, एक से ज्यादा व्यक्ति होगी, टीम होगी, ठीक है। ऐसे सेकंड है माय क्लास इज गोइंग टू सी द ताजमहल, ताजमहल हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि स्पेसिफिक नाम हो गया है, जगह का नाम है, ठीक है। और हमने बताया था जब नाउन आपको पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन आपको पढ़ाया था, तभी समझाया था कि जहाँ पे स्पेसिफिक वस्तु, ठीक है, या किसी का भी स्पेसिफिक नाम है तो वहां पे प्रॉपर नाउन होती है। इसमें हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो है क्लास, ठीक है। तो हमारी कलेक्टिव नाउन होगी क्योंकि एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया। ऐसी आर फैमिली गोज फॉर ए वॉक डेली, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो फैमिली है वो काफी सदस्यों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, तब जाके एक फैमिली बनती है। तो एक से ज्यादा व्यक्ति है, समूह है, तो ये भी हमारी होता है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कुछ नोट्स होते हैं जब हम एरर डिटेक्शन करते हैं आगे जाके, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नोट समझने, क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ेंगे या आपको एरर डिटेक्शन दे दें एग्जामिनर, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने सिर्फ दो ही नोट्स आपको लिखे हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्टिव नाउन के। पहला नोट्स है कि हम कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, और अगर प्लूरल बनेगा तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, क्या होती है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम इसका प्लूरल बना ही नहीं सकते, अगर वो हमने गलती से बना भी दिया तो वो कॉमन नाउन चला जाता है, मतलब वो कॉमन नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया था दी फैमिलीज आर कॉलोनी आर गोइंग टू आगरा, तो यहाँ पे फैमिलीज हो गया, फैमिली का फैमिलीज हो गया, तो ये एक वर्ब हो गया, ठीक है, चेंज हो गया, फैमिली ग्रुप का फैमिलीज, ठीक है, ये ग्रुप हो गया, समझिए, ग्रुप मतलब जाति, पूरी कास्ट हो गई है, क्लास हो गई है, तो क्या हुआ, ये हमारा कॉमन नाउन बन गया। और जहाँ पे जाति और जाहिर सी बात है जाति और वर्ग का बोध हो वहाँ पे क्या था, कॉमन नाउन। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा क्या है, प्लूरल बन सकता है लेकिन कब, जब सेंटेंस में मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, दो कंडीशन में, जब मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। एग्जाम्पल द ज्योरी डिसाइडिंग द मैटर, ठीक है, ऐसे ही द कमेटी मीट्स एवरी वीक, जैसी बात है मतभेद या फिर सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, उस कंडीशन में हम कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। और ये आपको अच्छे समझ भी आ गया होगा, बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में मैंने आपको समझाया है, बहुत ही एक ही लाइन में समझाया है, सिर्फ डेफिनेशन भी, एग्जाम्पल भी, सेंटेंस भी और इम्पोर्टेंट नोट्स भी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से समझ सके, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब तक हमने आपको पढ़ा दिया है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, अब हम चलते हैं मटेरियल नाउन पे, यानी मटेरियल नाउन पे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, दोनों नाम मैंने बता दिया, जिसको हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि आपको पता लगा होगा पदार्थ और द्रव्य से, कि जहाँ पे पदार्थ का बोध हो, मतलब जिस जो वस्तु पदार्थ की आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल परिभाषा लेते हैं पहले, जिन नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, ठीक है, मतलब जिन नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो, जिन नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, ठीक है। मान लो दूसरी वस्तुएं में कोई बनानी है, और कोई भी आप पदार्थ ले लो जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, उसको हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसको सेम टू सेम हमने क्या किया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, द नाउन विच डिनोट्स अ सब्सटेंस फ्रॉम विच अनदर थिंग कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे द नाउन विच डिनोट्स अ सब्सटेंस फ्रॉम विच अनदर थिंग कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है, दी नाउन विच डिनोट्स अ सब्सटेंस, ठीक है, यानी जिन नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो विच अनदर थिंग मतलब दूसरी वस्तु कैन बी मेड, जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, ठीक है, कैन बी मेड बनाई जा सके, इस कारण मटेरियल नाउन, ठीक है, उसको पदार्थवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सिल्वर ले लो आप, आयरन ले सकते हैं, आयरन से दूसरी वस्तु बनती है, सिल्वर से दूसरी वस्तु बनती है, गोल्ड से दूसरी वस्तु बनती है, गुड़ से दूसरी वस्तु बनती है, इस तरह के जितने भी पदार्थ है वो सारे के सारे नाम पदार्थवाचक संज्ञा होती है। चलिए अब सेंटेंस में समझते हैं, सेंटेंस में क्या होगा, ही मेड ए चेयर ऑफ आयरन, तो इसमें हमारा जो पदार्थवाचक संज्ञा हुई वो आयरन, ठीक है। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, तो एक मटेरियल क्या होगा इसमें, वुड। आई वॉन्ट टू बाई सम गोल्ड, इसमें क्या हुआ पदार्थवाचक गोल्ड,
वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वाटर, क्योंकि वाटर से भी दूसरी वस्तुएं बने जा सकते हैं, तो पदार्थ वाटर, ठीक है। अब कुछ नोट्स, जैसे मैंने आपको पहले कल एक्सप्लेन समझाए थे, ऐसे सेम इसमें भी एक नोट है जो आपको याद रखना जरूरी है, वो क्या है कि ये जो पदार्थवाचक जो मेटेरियल नाउन है ये काउंटेबल नहीं होते, इनकी गिनती नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ माप सकते हैं या तोल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि हम सिल्वर को भी इसकी गिनती नहीं कर जाती, सिल्वर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, ठीक है, इनकी गिनती नहीं कर सकते, इनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है किलो में या फिर ग्राम में, ठीक है, या फिर मिलीमीटर, अलग 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 उसकी अलग अलग माप होती है, अलग अलग ग्राम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब, मतलब जो मेटल नाउन है इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जैसे इज सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, ही मेड अ चेयर ऑफ आयरन, ठीक है, तो इसमें कैन हो गया सिंगुलर वर्ब है, तो इसमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं और इनसे पहले आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अब इसमें देखिए, इनसे पहले हम ए एंड दी का प्रयोग नहीं करते, आयरन से पहले ए आयरन नहीं कर सकते, डी आयरन नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ए एंड दी का प्रयोग नहीं कर सकते मेटल नाउन से पहले, और जो मेटल नाउन है वो सिर्फ माप या तोल सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते, इसकी गणना नहीं की जाती, ठीक। बहुत ही सरल और साधारण तरीके से आपको बता दिया मैंने, आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, एक एक लाइन की मैं आपको डेफिनेशन बताता जा रहा हूँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब अगले पे चलते हैं हम, ठीक है, इससे पहले हमने करा दिया था आपको कलेक्टिव, अब हमने कराया आपको मेटेरियल नाउन, अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है। मैंने कलेक्टिव में वैसे इफेक्ट बताया था, बट अब हम करेंगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उससे पहले हमने मेटेरियल करिए, ठीक है, चलिए चलते। दोस्तों अब तक हमने आपको पांचों प्रकार में से चार टाइप्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन भी, कॉमन नाउन भी, कलेक्टिव नाउन भी, और आपका मेटेरियल नाउन भी। अब हम चलते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे मैंने देखिए यहाँ पे ना दो डेफिनेशन लिखी है, आप जो भी याद कर सकते हो वो याद कर लीजिए, अगर आपको छोटी याद करनी है तो ये याद कर सकते हो, अगर आपको दो लाइन की याद करनी है तो ये याद कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक लाइन की नीचे का तो आपको पता है इसका लेफ्ट नाउन तो होता ही है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, एक बार पहले हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में मैंने लिखा है जहां गुण भाव क्रिया या अवस्था दिखाई दे, जहां पर भी गुण भाव क्रिया या अवस्था दिखाई दे, ठीक है, और उन्हें छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, तो जहां पे भावों का बोध हो वही हमारी होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे क्या इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्या क्या, क्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन या फीलिंग, अगर ये सब आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे, अब पूरी पढ़ते डेफिनेशन, द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंपल है, फिर दूसरे चलते हैं, द नाउन बाय विच देयर इज अ सेंस ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन और फीलिंग, ठीक है, मतलब द नाउन बाय विच देयर इज अ सेंस ऑफ एनी क्वालिटी, जहां पे किसी भी सेंसर को क्वालिटी दिखाई दे, एक्शन दिखाई दे, मेथड दिखाई दे, कंडीशन या फीलिंग दिखाई दे, वहां पे क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हिंदी में मैंने बताया जहां गुण भाव क्रिया या अवस्था दिखाई दे उन्हें छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसमें मैंने नीचे लिखा है ऑनेस्टी, जैसे कि एग्जाम्पल में ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। हैटर्ड, हैटर्ड होते हैं क्वालिटी, लफर, लफर होता है एक्शन, कार्य, ठीक है, क्रिया, और एक होता है पॉवर्टी, ये होती है कंडीशन, ठीक है। तो जहां पे हमारी कंडीशन हो, एक्शन हो, क्वालिटी हो, ठीक है, ब्रेवरी, ठीक है, और ऑनेस्टी, देखो ना सिर्फ हम ये गुण है, क्वालिटी, क्वालिटी होते हैं, ठीक है, गुण। अब इसमें क्या है, ये आप देखिए, इनको ना सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसमें हम देखते हैं इनके सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं, तो सेंटेंस में प्रयोग जब हम कर रहे हैं आप देख सकते हैं, पहला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने सभी ने पढ़ा होगा, तो इसमें जो हमारा भाववाचक संज्ञा है वो ऑनेस्टी है। हिज लव इज ग्रेट फॉर द कंट्री, इसमें जो फीलिंग्स आ रही है क्या आ रहा है, लव, ठीक है, तो ये हमारी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और गांधी जी लव टू स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ आ रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया, लव भी होता है वैसे, एक ट्रूथ आ रहा है, ट्रूथ हमारा क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ठीक है, इसमें भी एक नोट होता है, नोट क्या है कि जो है एब्जेक्ट नाउन जो है वो केवल सिंगुलर वर्ब में ही होता है, उसका भी प्लूरल वर्ब नहीं होता है, वो भी सिर्फ सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का हम सिर्फ सिंगुलर यूज करेंगे, ब्रेवरी, फैटर्ड, लफर, पोल्टी, तो सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज करता है। ठीक है, तो नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें एक छोटा सा पार्ट बचता है काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, तो जो मैं ऐसे बता देता हूँ, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, इससे पहले बताया था मैंने मटेरियल नाउन में कि उनको सिर्फ मापा तोला जा सकता है, गिनती नहीं की सकती। ठीक है, तो काउंटेबल होता है जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गिनती कर सके, जिसकी गणना की जा सके। ठीक है, और जिसकी गणना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, तो जिसकी हम गणना नहीं कर सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिसकी हम गणना कर सकते हैं उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर नाउन का कंप्लीट होता है। और अगर आप 6th to 10th क्लास के बीच में, तो आप हमारे से इस चैप्टर पे पूरा पढ़ सकते हैं, इससे भी ज्यादा हम पढ़ाएंगे नाउन के बारे में, और एक बहुत बड़ी क्लास में पढ़ाएंगे जिसमें कि आप 11th 12th या फिर किसी भी तैयारी में जुटे हुए हो, तो वो उस लेवल पे भी हम पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक लेवल चल रहा था, 6th to 10th में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप एग्जामिनर के थ्रू जो भी आपको, अगर आप एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, तो आप ये आराम से लिख सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आसानी से आपने समझ भी लिया होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने वही चीज आपको बताई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जाहिर सी बात है, इतना कोई, इतना इससे ज्यादा भी, इससे कम कोई बता भी नहीं सकता, बहुत ही कम मैंने आपको बताया, सिर्फ एक एक लाइन। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और लोगों को पता लग जाए। आपके मिलते हैं नए वीडियो में, तो धन्यवाद।